तो हाँ दोस्तों, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं गणित का, क्लास 9th में 1.1 का। तो चलो हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी आप पी बटा क्यू में रूप में लिख सकते हो? और पी क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल नॉट जीरो है। तो चलो हम करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन लगाएंगे 1 19। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम जीरो बट्टा एक, जीरो बट्टा दो, जीरो बट्टा तीन, जीरो बट्टा चार के रूप में लिख सकते हैं। पी क्यू का मान जीरो ही प्राप्त होगा। पी क्यू का मान जीरो ही प्राप्त होगा। तथा ये पी बट्टा क्यू और क्यू इक्वल नॉट जीरो को करता है, अतः जीरो एक परिमेय संख्या है। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलो पहले पढ़ते हैं प्रश्न। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय, 3 को हम 3/1 और 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। 3/1 को सबसे छोटी संख्या 2 से गुणा कराना है और 4/1 को भी सेम 2 संख्या 2 से गुणा कराना है। 3 × 2 = 6, 1 × 2 = 2 और 4 × 2 = 4 × 8, 1 × 2 = 2, तो 7। इसके बीच तो एक ही संख्या मिल रही है, हमें 6 पूछ रहे हैं, तो हमें 6/2 को अब 3 से गुणा कराएंगे और 8/2 को भी 3 से गुणा कराएंगे। एक छंग छंग बिछंग 12 × 3 = 18 / 6 और 1 × 8 = 8, 16 × 3 = 24, 1 × 2 = 4 × 2 = 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसके बीच मिल रही है। तो देखो 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और 24/6, ये 6 परिमेय संख्या, 5 6 परिमेय संख्या हो गई। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आगे तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं।
3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा। यह भी हम इसी प्रकार से करेंगे। संख्या 3, 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय, 3/5 को हम सब पहले छोटी संख्या से गुणा कराएंगे, 2 इससे भी 2, और 4/5 को भी 2 से, 3 × 6, 5 × 10 और 4 × 8, 5 × 10, 6, 7, 8, 2 मिल रही है हमें, हमें तो 5 चाहिए, तो 6/10 को अब 3 से गुणा करेंगे और 8/10 को भी 3 से, 1 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, 1 × 10 = 3, 30 और 1 × 8 = 16, 3 × 8 = 24, 3 × 30 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसके बीच हमें पांच परिमेय संख्या मिल रही है, तो हम लिखेंगे 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, तो यह हो गई हमारी, और 24/30, इसके बीच हमें पांच परिमेय संख्या मिल गई, तो ये प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। आगे करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये होगा हमारे सत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य होगा। उदाहरण के लिए क्योंकि उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या है, आगे तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य होगा। क्योंकि उदाहरण के लिए एक बट्टा दो परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ये आज हम यही वीडियो ख़त्म करते हैं। 1.1 हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।